बक्सर की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं CNB न्यूज। आपको रखे आगे आपका अपना। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भरण पोषण के संबंधित एक आदेश निकाला गया है। आदेश में कहा गया है कि छात्र छात्राओं को स्कूल बंद रहने की अवधि में भी LDM योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत विभाग द्वारा राशन के आवंटित कर डुमराव प्रखंड के सभी विद्यालयों में अनाज वितरण होने के लिए FCI गोदाम से अनाज को भेजा जा रहा है। इसके तहत अरिया पंचायत स्थित कन्या मध्य विद्यालय में ADM राशन की गाड़ी आई, उस समय विद्यालय परिसर में पेंशन के संबंधित कैंप लगाया गया था। स्थल पर सभी ग्रामीण और पंचायत मुखिया जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इन लोगों के द्वारा शक के आधार पर अनाज के बोरियों का वजन करवाया गया तो वजन में काफी कमियां पाई गई। जानकारी के मुताबिक सभी बोरियों के अनाज 50 किलो का रहता है, लेकिन ग्रामीणों द्वारा जब विद्यालय में आए राशन के पैकेट को काट दिया गया तो किसी बोरी में मूल वजन के बाद 5 किलो कम तो किसी में 15 किलो कम वजन देखने को मिला। इस प्रमाण को देखकर सभी ग्रामीण दंग रह गए। वहाँ पर वृद्धा पेंशन का कैंप लगा हुआ था, इसी दौरान वहाँ पर स्कूल का राशन आया। हम वहाँ पूछे कि राशन किस चीज़ का है, तो बोले कि स्कूल के लिए राशन है। हम बोरा में कितना पैकेट राशन है, बोले कि 50 KG का एक बोरा है। हम बोरा तो कम लग रहा है, कितना 50 KG, हम बोरा वहाँ पर कंटा कराती है। बोरा कुल सब बोरा 37 किलो 47 किलो 33 किलो 48 किलो, एक भी बोरा 50 KG का नहीं होता। उसको लेकर के फिर आगे क्या करवाई? आगे हम पदाधिकारी से बात किए शिक्षा विभाग के, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ थे, उनका मोबाइल स्विच ऑफ था, बात नहीं हुआ। अब आगे उस पर कार्रवाई किया जाएगा। तो आपको नहीं लगता है कि बहुत दिन से हो रहा था, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं था। इसमें जो प्रधानाध्यापक स्कूल का है वो भी कुछ नहीं बताए कि ऐसा हो रहा है। अगर पहले बता रहे होते तो पहले उस पर कार्रवाई किया जाता है। क्या परिचय है आपका? मैं मुखिया प्रतिनिधि बबलू सिंह, ग्राम पंचायत अरिया।